नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बलिया दौरे पर सीएम योगी, अमर शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जिला कारागार से ऐतिहासिक जुलूस को दिखाई हरी झंडी। बलिया बलिदान दिवस पर जनसभा को किया संबोधित। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा वृंदावन पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। शहर के सिक्योरिटी के लिए 5,000 जवान तैनात। बाहुबली मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर ईडी का एक्शन। दिल्ली लखनऊ समेत 11 जगह मारे छापे। 14 घंटे की कार्रवाई की, कई अहम दस्तावेज जब्त। यूपी के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखनऊ समेत पूर्वांचल के जिलों में चलेगी तेज हवाएं। 19 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। गंगा वार्निंग लेवल से महज 1.5 मीटर दूर। आपको बताएं, घाटों से हटवाई चाय टपरी और मालाकंठी की दुकान। गंगा में डूबे और हरिश्चंद्र घाट के शैदा स्थल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने अमर शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जिला कारागार से ऐतिहासिक जुलूस को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद सीएम योगी ने पुलिस लाइन में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि 19 अगस्त 1942 को बलिया पूरे देश से 5 साल पहले ही स्वतंत्र हो गया था। इस लिहाज से बलिया जिले की 81वीं आजादी की वर्षगांठ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बलिया के लोगों के लिए इस बेहतरीन गौरवशाली दिन मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ उत्साह मन के साथ जुड़ करके देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के लिए अभी से प्राण प्रण से जुटा है। इस अवसर पर मुझे बलिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए इस ऐतिहासिक बलिदान दिवस के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऋषि मुनियों और क्रांतिकारियों की इस ऐतिहासिक भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बलिया का अपना इतिहास है और लोग पता नहीं जैसे भी हो लोग कहते रहे हैं कि बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। आजादी के बाद तो देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है वो हमेशा बलिया ने दिखाया। लेकिन आजादी के पहले, आज से नहीं, आज तो जन्माष्टमी का दिन भी है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जन्माष्टमी के दिन बलिया बलिदान दिवस एक साथ मिला और एक साथ आयोजन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बलिया दौरे से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जन्माष्टमी के पर्व पर गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने गायों को अपने हाथ से गुड़ और चारा खिलाया, साथ ही गौशाला की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही आपको बताएं, आवश्यक दिशा निर्देश भी योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी उत्सव में शामिल होने के लिए
मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों से भक्त मथुरा पहुंचे हैं। वहीं शुक्रवार सुबह तक करीब 15 लाख से ज्यादा भक्त मथुरा और वृंदावन पहुंच चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिए मथुरा और वृंदावन को 5 जोन में 30 सेक्टर में बांटा गया है। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्म स्थल पर मंगल आरती के मंदिर प्रबंधन के पदाधिकारी सिर पर श्री कृष्ण की पोशाक लेकर चले तो जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। वहीं भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए लोक कलाकार नाचते गाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आधी रात में कन्हैया का जन्म होना है। श्री हरिकांता पोशाक पहनकर सारंग शोभा पुष्प बंगले पर श्री कृष्ण विराजेंगे तो वहीं सफेद फूलों से उनका श्रृंगार होगा। शिव नगरी काशी में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। वहीं दुर्गा कुंड के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर गिरधर गोपाल को भोग लगाने के लिए मेवे माखन के लड्डू बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मक्खन के बनाए हुए जलेबी और लड्डू का भोग भी कान्हा को लगाया जाएगा। वहीं 20 अगस्त को मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जहां करीब 6000 से अधिक श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और कथा व्यास अच्युत मोहनदास ने भगवान श्री कृष्ण जन्म के विषय में कथा का वाचन किया। जैसे हम लोग पिछले कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं और इस साल भी बहुत हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं। सुबह 7:30 बजे हमारा दर्शनार्थी से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 24 घंटे का अखंड कीर्तन का प्रोग्राम रखा हुआ है। उसके बाद भोग आरती और अभिषेक भगवान का होता रहेगा। 10 बजे हमारे मंदिर के अध्यक्ष अच्युत मोहनदास जी के द्वारा कथा होगा। कथा के बाद 11 बजे से कलश अभिषेक, जो कि 51 कलश के साथ भगवान का 21 द्रव्यों के साथ अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद फिर 108 जनेऊ के साथ भगवान का भोग लगाया जाएगा। उसके बाद 12:30 बजे महाआरती होगी। तो आरती के बाद फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के 11 ठिकानों पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की 12 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। गाजीपुर, लखनऊ, दिल्ली और मऊ में 14 घंटे दस्तावेज खंगाले गए। ऐसे में ईडी कई अवैध संपत्तियां और रेलवे मछली ठेके जैसे जुड़े दस्तावेजों को अपने साथ ले गई। साथ ही आपको बताएं, ईडी की अलग अलग टीमों ने केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और करीबियों के घर पर छापा मारा था। वहीं इस दौरान बाई बसपा सांसद अफजल अंसारी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास और लखनऊ डालीबाग में ग्रैंडियर अपार्टमेंट में भी छापेमारी की गई। यहां मुख्तार के साले तनु अंसारी के साथ अन्य कई करीबियों के फ्लैट हैं। आपको बता दें, गाजीपुर में ईडी ने मुख्तार अंसारी के करीबी विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा और खान बस सर्विस के संचालक के ठिकानों पर भी छापेमारी की, जहाँ से कई अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संबल से देवी थाना क्षेत्र में लोगों से अवैध वसूली कर रहा फर्जी मीडिया कर्मी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। दरअसल अपने आप को मीडिया कर्मी बताकर किसानों से 5,000 रुपए की डिमांड करने वाला मीडिया कर्मी की स्थानीय लोगों ने धुनाई कर दी। इस दौरान मामला पुलिस थाने जा पहुंचा, जहां पुलिस ने फर्जी मीडिया कर्मी की बाइक का चालान कर दिया और आपसी समझाइश के बाद दोनों पक्षों को छोड़ा गया। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां सीएम योगी द्वारा आम जनता की समस्याओं को नियम रूप से सुनने के लिए भले ही कड़े आदेश जारी किए हों, लेकिन बस्ती जिले के वरिष्ठ अधिकारियों में इसका कोई असर नहीं दिख रहा। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नियमित रूप से जनसुनवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद भी अधिकारी कार्यालय में नहीं पहुंच पा रहे। इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि ये तस्वीरें
सदर तहसील उपजिलाधिकारी के स्थित कार्यालय की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि सदर उपजिलाधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं है। हालांकि जब फोन से बात हुई तो उन्होंने क्षेत्र में रहने की बात कहकर अपनी असमर्थता जताई और ऐसे में कई किलोमीटर से आए फरियादियों को मायूस होकर वापस अपने घर लौटना पड़ा। चलिए दुबे कब से आए हैं? जैसे नौ दस बजे से हम बैठे हैं। अभी कितना समय हो रहा है? अभी जो 12 हो रहा है लगभग हो रहा होगा। उसके भी जल्दी आए नहीं? अभी नहीं आया। किस काम के लिए आए? चक्रोट और खलिहान से संबंधित है मसला। पहली बार कई कई बार आ चुके हैं। क्या काम? पैमाइश कराना है। अभी टाइम दिए मुहर्रम बाद पैमाइश होगा और एक बार दिए बोले कि काबुलाना आपका काम होगा और उसके बाद दोबारा टाइम दिए कि मुहर्रम बाद पैमाइश होगा। अभी खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के कोचिंग संस्थान के प्रबंधक के खिलाफ अपर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई, जिसमें प्रबंधन पर अग्निवीर योजना में नौकरी और अन्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया गया। वहीं पुलिस उच्च अधिकारी ने शहर कोतवाल को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें कि कोतवाली देहात इलाके में मऊआ मजरापुर बाहतपुर गांव के रहने वाले सुशील कुमार और रोहित कुमार ने शिकायत दी। फिलहाल पुलिस जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। व्यक्ति है सुशील कुमार, जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं, ग्राम मनुआ के। इन्होंने आज एक प्रार्थना पत्र दिया है कि रॉयल इंस्टीट्यूट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके प्रबंधक रवि चौधरी है। इन्होंने इसके भाई सुमित कुमार से 1,00,000 रुपया अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए हैं। पुलिस को आज प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, SHO कोतवाली शहर को जांच के लिए दिया गया है। रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, वहाँ कंपटीशन है जो करवाते थे, दिल्ली पुलिस वगैरह का है, वन विभाग का है, GDS अग्निवीर का है, ये लोग वहाँ की तैयारी करवाते थे। तो हम लोगों ने वहाँ जब कोचिंग करते थे तो वहाँ 2 महीने हम लोगों पढ़ते हो गया था तैयारी करते। उन्होंने बोला कि हमसे तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। हम हमने कहा कैसे लगवाएंगे? तो कह रहे आपका पेपर है जो करवा देंगे। हमने किसमें पढ़ा हमसे पूछा, हमने कहा फॉरेस्ट गार्ड में पढ़ा है। तो उन्होंने कहे ठीक है, 5,00,000 रुपये पड़ेंगे तुमको, 2,00,000 एडवांस देने पड़ेंगे, बाकी 3,00,000 जब पेपर हो जाने के बाद में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। इनमें प्रमुख रूप से महाराजगंज, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, मऊ और देवरिया जिले शामिल है। दरअसल उत्तर प्रदेश सूखा घोषित करने को लगातार की जा रही मांग के बीच बीते 24 घंटों में किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई। मॉनसून से अब तक 46% बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने बीते 24 घंटों में 8.2 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान जताया है। आपको बता दें मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। वाराणसी में गंगा वार्निंग लेवल से महज 1.5 मीटर और खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे बह रही है। गंगा में उफान काफी ज्यादा है, ऐसे में गुरुवार के मुकाबले गंगा के जल स्तर में 1 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को गंगा का जल स्तर 68.44 मीटर पर आ गया था। ऐसे में गंगा अब घाटों को पूरी तरह से डूब चुकी है। वहीं घाटों पर चाय टपरी और मालाकंठी की दुकान हटवा दी गई है। वहीं अब दशवामेध से लेकर 80 घाट तक गंगा स्नान और आरती देखने तक के लिए जगह नहीं बची। इधर मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के शहदा स्थल भी पूरी तरह से डूब गए हैं। अंतिम संस्कार अब ऊपर की सीढ़ियों या छतों पर हो रहा है, जबकि गंगा का पानी बस्तियों में प्रवेश कर गया है। इधर भीड़ और श्रद्धालुओं को अब आरती स्थल आने से रोका जा रहा है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।